दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं धनुका एग्रीटेक कंपनी का ओमाइट के बारे में। तो ओमाइट क्या है और इसमें क्या टेक्निकल मिलता है, इसको कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा इसका डोज कितना है, प्राइस कितना है, इसका पैकिंग साइज कितने में आता है, इसके साथ किसी दूसरे दवा को मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से पूरे डिटेल्स में हम धनुका एग्रीटेक का ओमाइट के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है तभी आप लोगों को पूरी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं धनुका एग्रीटेक का ओमाइट क्या है। तो ओमाइट एक ऐसा मकड़ी नाशक है जो कि 72 देशों में 36 प्रजातियों जैसे मकड़ियों को ख़त्म करने वाला मकड़ी नाशक माना जाता है। ओमाइट फसल में छिड़काव करने के बाद मकड़ियों द्वारा पत्तियों का रस चूसना बंद हो जाता है और इसको माइटीसाइड या फिर एक्रीसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक माइटीसाइड है, माइट को ख़त्म करता है, इसीलिए इसको माइटीसाइड बोला जाता है और इसको एक्रीसाइड भी कहा जाता है या फिर इंसेक्टीसाइड भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ओमाइट क्या है। अब बात आती है ओमाइट का टेक्निकल। तो इसमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है प्रोपागेट 57% जो कि इसी फॉर्म पे मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है ओमाइट को फसल में स्प्रे करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ओमाइट एक माइटीसाइड है, यानी मकड़ी और थ्रिप्स दो प्रकार की होता है। जो पत्तियों में कुकड़ापन लगता है, लिपकर लगता है, उसके लिए हम लोग माइट को स्प्रे करते हैं। तो माइट जैसे पत्ता दो तरफ की मुड़ता है, जैसे कि एक ऊपर की तरफ मुड़ता है और एक नीचे की तरफ मुड़ता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम पहले ही वीडियो बना के रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं बाद में। तो फिर भी आप लोगों को बताने जा रहे हैं माइटीसाइड यानी माइट जो है नीचे की तरफ पत्ता मुड़ता है कुछ इस प्रकार की जैसा, और ऐसा अगर पत्ता मुड़ने को देखने को मिल रहा है आपको तो आप लोग ओमाइट का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर इसके साथ जैसे कि और भी कोई दवा स्प्रे करते हैं, इमिडाक्लोपीड जैसे कि थ्रिप्स को अच्छा कंट्रोल करता है, उसको मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स और माइट दोनों को कंट्रोल कर लेता है। तो ओमाइट को अगर सिंपली अगर स्प्रे करते हैं तो माइट को तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन थ्रिप्स को ये नहीं कंट्रोल करेगा, ये आप लोग पहले ही समझ लीजिए। तो ये तो हो गया ओमाइट का बेनिफिट। अब दोस्तों बात आती है ओमाइट का डोज के बारे में। तो इसका जो डोज होता है चिली में, जैसे कि हम स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें 2 से 3 ml पर लीटर पानी में घोल बना के अच्छी तरीके से स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है माइट के ऊपर। और दोस्तों आप लोग इसको बैंगन में भी स्प्रे कर सकते हैं, उसमें भी आप 2 ml पर लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर टमाटर में स्प्रे करते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की जैसे फसल होता है जिसमें माइट ज़्यादा लगता है उसमें आप आराम से इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका डोज। अब बात आती है इसका प्राइस एंड पैकिंग साइज। तो इसका जो प्राइस है 100 ml का प्राइस लगभग 150 रुपये के अंदर मिल जाएगा, और पैकिंग साइज़ की बात किया जाए तो 100 ml, उसके अलावा 250 ml, आधा लीटर और 1 लीटर का फाइल अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी सारे किसानों के मन में डाउट रहता है, क्या हम इसके साथ किसी टॉनिक को या फिर किसी फंगिसाइड को मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि इसके साथ अगर किसी भी टॉनिक को मिला के स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर फंगिसाइड को मिलाते हैं तो फिर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसके साथ टॉनिक को आप लोग किसी भी टॉनिक को मिला सकते हैं और इसके साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड को भी मिला सकते हैं, लेकिन फंगिसाइड को इसके साथ अगर मिलाएंगे तो 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग इसको ओमाइट को स्प्रे करते हैं फसल में तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों धनुका एग्रीटेक कंपनी का ओमाइट एक्रीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर माइट साइड जो भी बोलते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं।